ये थी एक 3D कंपैरिजन वीडियो जिसको मैंने अपने मोबाइल से ही क्रिएट किया है, आप भी कर सकते हो। पहले इसके फायदे सुन लो। सबसे पहले तो ये वीडियो वर्ल्ड वाइड देखी जाती है जिससे आप 5x तक की अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि US जैसी कंट्रियों का RPM काफी ज्यादा हाई होता है और लैंग्वेज का भी इसमें कोई झंझट नहीं है। ऐसी वीडियो कोई भी देख सकता है। सो अब इसे क्रिएट करके देखते हैं। वीडियो में मैंने आपको सिंपल एंड शॉर्ट तरीके में बताया है, तो वीडियो को स्किप मत करना वरना आप कोई स्टेप मिस कर सकते हो। इसे क्रिएट करने के लिए आपको प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको साइड में क्यूब वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर प्लेन को ऐड करना है। इसके बाद आपको इसे बड़ा कर देना है और इसका कलर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद आपको इसे कॉपी करके इसे रोटेट करके पीछे की तरफ लगा देना है। फिर आपको एक क्यूब को ऐड कर लेना है। क्यूब को ऐड करने के बाद उसे थोड़ा सा लंबा कर देना है आपको। उसके लिए आप ऊपर वाला बटन दबा सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी पोजिशन को सेट करके इस पर क्लिक करके रखना है आपको। फिर इसके बाद आपको नीचे कॉपी का बटन मिलेगा, तो आपको इसे कॉपी कर लेना है। इसके बाद उसे कॉपी करने के बाद साइड में खिसका देना है और इसी तरह से आपको अपने क्यूब को कॉपी करके डुप्लीकेट करते जाना है जब तक आप जितने बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको फिर से प्लेन्स ऐड करने हैं और आपको क्या करना है, प्लेन्स को आपको इनके ऊपर लगाना है जिस तरह से कोई फ़ोटो लगा रखी हो आपने। तो मैं इसे फास्ट प्रोसेस करके बताता हूँ आपको कि इसे किस तरह लगाना है। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो ताकि आपको इसे लगाने में कोई भी मुश्किल ना हो। तो मैं इसे रेड कलर का करके इसमें चिपका देता हूँ। इसे चिपकाने के बाद आपको इसको कॉपी कर करके अपने जो क्यूब है उन पर चिपकाते जाना है ताकि आप वहाँ पर भी और फोटोज़ ऐड कर सको। इसको सिंपली कॉपी करके आपको हर एक क्यूब पर चिपका देना है। इसे चिपकाने के बाद आपको अपनी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके यहाँ पर टेक्सचर की मदद से यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे आप फ़ोटोज़ लगा देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अपने क्यूब का कलर भी चेंज कर देना है अगर आप करना चाहो तो। तो मैं आपको कलर भी चेंज करके बता देता हूँ। कलर चेंज करने के बाद अब हमें इसमें टेक्स्ट लिखना है, तो सिंपली आपको 3D टेक्स्ट को इधर की साइड की तरफ ला के अपनी फ़ोटो के नीचे आपको उसे लगा देना है। आप उसका साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। जैसे आप उसका साइज छोटा कर दे तो उसे अपने क्यूब के अंदर लगा दे और वहाँ पर जाके आप अपना टेक्स्ट चेंज कर। अब जैसे ही आपका टेक्स्ट चेंज हो जाए तो उसे थोड़ा सा छोटा करके आप अपनी फ़ोटो के नीचे अंदर उसे लगा दे। ये 3D टेक्स्ट है। सो इस तरह की प्रोसेस आपको सारे क्यूब्स के साथ करनी है। अब सिंपली आप इस क्या करें, इसी टेक्स्ट को आप कॉपी करके दूसरे क्यूब के ऊपर लेके जाए और वहाँ पर ले जाके आप इसमें फिर से इसे रीटेक्स्ट कर दे और इसमें जो भी दूसरा टेक्स्ट लिखना है वो लिख दे। सेम प्रोसेस और भी क्यूब के साथ करने हैं। ये करने के बाद अब आपको इन तीनों को क्लिक करके लगना है, क्यूब और प्लेन और टेक्स्ट को, और नीचे ग्रुप का बटन आएगा तो ग्रुप में आपको इनमें सब में ग्रुप में कर देना है। सो जैसे ही आप इसे ग्रुप में कर देंगे आपको ऊपर लाइट को ऐड कर लेना है। अगर आप इसमें ज़्यादा ग्लो दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाइट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर आपको एनिमेशन के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी एनिमेशन करनी है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने सारे क्यूब्स को आपको नीचे की तरफ कर देना है ज़मीन के अंदर। तो जैसे आपका वीडियो कुछ इस तरह लगेगा कि आपके जो क्यूब है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो सबको आप नीचे की तरफ कर दे। अब आपको यहाँ पर नीचे एक बटन मिल रहा होगा 0 का, आपको वहाँ पर ले जाके ये रेड क्लॉक का बटन दबाना है और अपने क्यूब को ऊपर लेके आना है। यही सेम प्रोसेस आपको सारे क्यूब्स के साथ करनी है। जैसे आप दूसरे वाले पे जाएंगे तो आपको पहले वहाँ की फ्रेम करके उसे ऊपर लेके आना है। यही सेम प्रोसेस आपको सारे क्यूब्स के साथ करनी है। जैसे आपकी की फ्रेमिंग हो जाए आप अपनी वीडियो को प्ले करके देखना, आपकी वीडियो कुछ इस तरह से प्ले होगी। अब यहाँ काम होता है हमारा एनिमेशन का। अब इसके बाद आपको कैमरे को ऐड करना है। कैमरे में भी आपको सिंपल एनिमेशन करनी है, अपनी वीडियो पर ले जाना है कैमरे को और उसके बाद आपको की फ्रेमिंग करते जानी है। जैसे जैसे आपकी जो क्यूब्स है वो बाहर की तरफ आएंगे आपको जो है अपने कैमरा एंगल को चेंज करते जाना है। अब जैसे आपने पहला क्यूब हो गया आपका, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे ले
और अपने कैमरा मूवमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दे और फिर से वहाँ पर आप की फ्रेम लगा दे। और यही सिंपल प्रोसेस आपको सबके साथ करनी है। इसके बाद आपको अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है तो आपकी वीडियो कैमरे के साथ कुछ इस तरह से प्ले होगी। अब यहाँ पर आपकी वीडियो होती है रेडी। अब इसके बाद आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इसे रेंडर कर लेना है। नीचे आपको 2 का बटन मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको वो नीचे जो नंबर पे आपकी की फ्रेमिंग ख़त्म होती है आपको वो नंबर वहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मेरे 240 पे ख़त्म हो रही है तो मैं यहाँ 240 लिख दूंगा। इसके बाद मुझे सिंपली अपनी वीडियो को रेंडर कर लेना है। इसे रेंडर करने के बाद आपको अपनी वीडियो को सेव टू गैलरी करने का एक ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही रेंडर आपका कम्प्लीट हो जावे इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।